हटके है कि लाइफस्टाइल पे बोलना और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बोलना, बहुत जगह बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और आप सबकी जो सोच अभी जो बनी हुई है वो शायद आपकी भी ना बनाई गई हो, वो बनवाई गई हो। जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, चाहे फिल्म्स के ज़रिए, चाहे वो मीडिया के ज़रिए या अखबारों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, तो कुछ धारणाएं मैं आपकी तोड़ना चाहूँगा आज के डेट में, क्योंकि वो धारणाएं तोड़े बिना आप लोग मेरी बात को शायद ना समझ पाएँ या मेरी बात को गलत समझ जाएँ। तो इसे थोड़ा सा उदार होकर मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद उस पर विश्लेषण करिएगा, चिंतन करिएगा, और उसके बाद आगे की बात पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा जो परिचय दिया गया अभी, वो देना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये नहीं लगता कि ये व्यक्ति कभी मल्टीनेशनल में काम करता तो शायद लगता था कि झोला छाप ऐसे ही कुर्ता पजामा पहन कर ये बचपन से घूमते रहे हैं। तो ये लोगों की मानसिकता है, और हमारे लिए ये कुर्ता पजामा पहनना जो है बहुत बड़ी बड़ी आसानी कर देता है कि बहुत लोग अपना असली स्वरूप दिखा देते हैं हमारा कुर्ता पजामा देखकर, कि उनको लगता है कि ये शायद होंगे कोई गांव के होंगे या हिंदी में ही बात करने वाले होंगे इसी कारण से। और जब तक कि हम एक दो वाक्य अंग्रेजी के नहीं बोल देते, वो हमको पढ़ा लिखा नहीं समझता। ये मानस कैसे बन गया हमारे भारत का? ये मानस इसीलिए बन गया कि हम लोग जो गुलाम रहे उसके कारण तो बना ही बना, हम लोगों में भी मानस बदलने की बहुत सारे षड्यंत्र चलाए गए जो आज भी चल रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है वो है आपका भोजन को बिगाड़ने का, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दो ही चीज़ों से बना है, भोजन और पानी, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। शुद्ध वायु भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा जो हम रोज़ लेते हैं, वायु तो चलिए हमें रोज़ सांस लेने वाली बात तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन अगर आप भोजन और पानी बिगाड़ दें तो सब बिगड़ जाता है। मुझे लगता है, फिर क्षमा करिएगा अगर मैं योग के बारे में बात बोलता हूँ, कि योग भी अकेला नहीं कर पाएगा अगर भोजन और पानी ठीक नहीं होगा तो। और एक और बड़ी ये बात, योग का नाम आया तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि योग महोत्सव आ रहा है, ये हमारे जो पतंजलि जी जो महर्षि थे उनके द्वारा जो योग दिया गया हमको, कृपया उसका नाम बिगाड़ कर योगा ना करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि जो देखो आजकल योगा कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर मैं सुशील को सुशीला बोलने लग जाऊं तो भाव पूरा बदल जाता है। और कोई कारण था कि हमारे यहाँ पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों के उच्चारण थे उनकी शुद्धता पे हमेशा ध्यान दिया, कि आप अगर गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो उसमें नमो को नमा ना कर दें या कुछ ना कर दें, तो उच्चारण पे हमेशा ध्यान दिया गया, क्योंकि उस प्रभाव पे पूरा का पूरा असर पड़ता है। तो आप सभी सचदेव जी भी बैठे हैं यहाँ पर, मैं सबसे विनम्र निवेदन है मेरा, कृपया मेरी बात को अन्यथा ना लें, मैं कोई कमियां निकालने नहीं आया किसी में, लेकिन बस एक योग को योग रहने दें, योगा ना करें उसको। तो कम से कम जो 50-60 साल लोग यहाँ बैठे हैं वो सब तो ये प्रयास कर ही सकते हैं, क्योंकि भोजन और पानी तो बिगाड़ दिया है, कि योग बचा है, बहुत एक अच्छी हमारे देश में परंपरा है, उसका भी नाम बिगाड़ने से बिगाड़ की शुरुआत तो हो ही गई कम से कम। इसीलिए बस मेरा ये निवेदन है आपसे। तो मैं योग नहीं करता, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि 2011 में जब राजीव दीक्षित जी को सुना तो उस समय वजन मेरा लगभग 100 किलो था, लगभग 100 किलो, और डायबिटीज़ की कगार पर बैठा हुआ मैं, सांस फूलने वाला, जिसको कुछ एक फ्लोर भी चढ़ना पड़ जाए तो सांस फूल जाती थी जिसकी, और जो अमेरिकन लाइफस्टाइल पूरा जीना जिसमें जीन्स पहनना, बर्गर खाना, ये सब था उसके अंदर। तो राजीव दीक्षित जी को सुनकर ये पता लगा कि भोजन और पानी से सब कुछ सुधर सकता है। तो मैंने योग करना शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता नहीं पता कि किस कारण से मैं ठीक हुआ। तो आज जो मेरा स्वरूप जो भी आपके सामने है वो केवल और भोजन और पानी को सुधार कर है। मैं योग आज भी नहीं करता, लेकिन योग सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर मैं करूं या कोई भी करे, बशर्ते भोजन पानी सुधर जाए। तो बीमार क्यों पड़ते हैं हम, मैं उस विषय पर आता हूं। बीमार हम पड़ते हैं दो कारणों से, या तो किसी वायरस पैथोजन या फंगस इन्फेक्शन के कारण, या हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स के कारण। दो ही कारण हैं बीमार पड़ने के। तो वायरस वगैरह के बारे में तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि उसके इलाज भी उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है। मैं लाइफस्टाइल की बात करूँगा। लाइफस्टाइल में जब सबसे खतरनाक चीज़ हमारी हो गई है वो है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही दिमाग लगाकर तीन सुरक्षा चक्र बनाए थे हमारे घरों के लिए, जिसको तोड़ पाना किसी भी बीमारी के लिए बहुत ही असंभव सा कार्य था। वो तीन सुरक्षा चक्र जो हमारे देश में थे, घर घर में थे, और ये जो
आपके जीवन को ही आपको इलाज की पद्धति बना देना, जिसको जीवन विद्या बोलते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने बहुत खूबसूरती से किया। ऐसा नहीं था कि आप इस विशेष रूप से एलोवेरा का जूस पीजिए तो आपको कुछ होगा, या आप आंवला का रस पीजिए तो आपको कुछ होगा। वो उन्होंने हमारे भोजन को ही हमारी औषधि बना दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न एलोपैथी है वो हमारी औषधि को हमारा भोजन बना के बैठा हुआ है, कि रोज ही खाना है। औषधि कुछ दिनों के लिए खाई जाती है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, और भोजन रोज खाया जाता है। औषधि भोजन नहीं बन सकती, लेकिन भोजन औषधि बन सकता है। तो सुरक्षा चक्र क्या था कि हमारे यहाँ पर जो वास्तु था, वास्तु के जानकार हमारे साथ बैठे हैं, हमारे यहाँ का वास्तु आज ऐसा विकृत हुआ आज के डेट में। बहुत लोग हैं उसमें, ज्ञानी तजी भी हैं उसमें, ज्ञानी व्यक्ति जो वो बात शायद नहीं करते जो बाकी आर्किटेक्ट्स या वास्तु वाले या सब लोग करते हैं, कि हमारे घर के द्वार पर एक गाय जरूर होनी होती थी पहले। यहाँ पर हमारे घर के द्वार पर गाय जरूर होगी। अगर गाय होगी तो उस गाय को क्रॉस करके बहुत कम जीवाणु जो है घर में प्रवेश कर पाएंगे। और मैं भारतीय गाय की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन होलिस्टीन फ्रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी मैं गाय बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि मैं देसी भारतीय देसी गाय की ही बात कर रहा हूँ। तो गाय होती थी, उस गाय के जो गव्य होते थे वो अपने आप में बहुत बड़े, एक आपके जो बीमारियों को ठीक करने वाले पंचगव्य जो हैं वो होते थे, जिसकी जानकारी मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा आपको। दूसरा सुरक्षा चक्र होता था, वो था तुलसी का पौधा आंगन में। पहले जितने भी घरों का पूरा आर्किटेक्चर था उसमें तुलसी का स्थान आंगन के बीच में हुआ करता था। जो तुलसी है उसका भी अपने आप में पूरा का पूरा एक चिकित्सा विज्ञान बन सकता है, इतनी महत्वपूर्ण है तुलसी किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, या उसको बिना किसी असर के आपके घर में से ख़त्म कर सकती है वो। और तीसरा जो चक्र था वो था रसोई। रसोई जिसमें 48 मसाले हुआ करते थे, जिससे कोई बीमारी नहीं बच सकती, वो सारी की सारी औषधियाँ थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज भी नहीं, ये अंग्रेज़ों के समय की बात है, कि उन्होंने जब देखा कि ये जो गाय है इसके कारण भारत के लोग बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं, इसके दूध का सेवन करके, इसके छाछ का सेवन करके, इसके घी का सेवन करके, इसके गोमूत्र का सेवन करके ये लोग बीमार नहीं पड़ते, और बीमार लोगों को गुलाम बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सारी की सारी शिक्षा गुरुकुलों से सीख कर आते हैं, गोपालन सीख कर आते हैं और अपने घर में गाय पालते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हमारे यहाँ गाय गाय ख़त्म करने का षड्यंत्र शुरू हुआ। और गाय ऐसा नहीं कि पहले नहीं कटती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल वे में गाय काटना अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया, अपनी सेना के भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए गाय काटना शुरू किया अंग्रेज़ों ने किया। और इसके बाकायदा दस्तावेज़ हैं, बाकायदा दस्तावेज़ हैं, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके लेटर जो यहाँ के वॉइसरॉय को लिखे जाते थे, उन लेटरों की लेटर्स की कॉपी है पूरी हमारे पास, पूरी बुक है, द ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया, प्रोफेसर धर्मपाल के द्वारा कंपाइल की गई किताब है, बहुत सुंदर किताब है, कभी पढ़ने का अवसर मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो उसके द्वारा भारत में गाय ख़त्म की गई, और आज भी आज़ादी के बाद भी वो चल रहा है कि गाय का महत्व हम नहीं समझ रहे, लेकिन अमेरिका तीन तीन पेटेंट गौमूत्र पर लिए बैठा है क्योंकि उसे उसका महत्व पता है। तो ये गाय बहुत बड़ा एक विज्ञान है, था भी और है भी, जिससे हमारे घर में बीमारियां नहीं आती थी। दूसरा है, हमारे घर का आर्किटेक्चर ऐसा बना दिया गया है, आजकल जिन घरों में जो फ्लोर्स बन रहे हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें तुलसी का कोई स्थान नहीं होता। तो दूसरा चक्र भी तोड़ दिया गया, जिसके कारण घरों में बीमारियां आने लगी। और तीसरा है कि रसोई को किचन बना दिया गया। मैं एक हास्यास्पद बात बताता हूँ कि मैं एक जगह कहीं गांव किसी गांव में गया था, वो अपना घर दिखाने लगा मुझे, तो मैंने बोला आपकी रसोई कहाँ है? नहीं नहीं रसोई नहीं है, किचन है हमारा। वो मुझे करेक्ट किया उसने कि रसोई नहीं किचन है। किचन का मतलब वो है जिसमें 48 मसाले नहीं होंगे। और अगर मैं किसी माँ बहन को पूछूँ कि आपको कितने मसाले याद है, तो शायद 5, 6, 7, 8 या 10, 12 मसालों ज़्यादा याद नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी खूबसूरती से इसको जीवन विद्या में डाला था, लेकिन हम लोग भूल के तीन सुरक्षा चक्र तीनों टूट गए, इसलिए हमारे यहाँ पर देश में आज हृदय के रोगी, डायबिटीज़ के रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत बड़ा कारण है भोजन और पानी। तो पानी की बात मैं सबसे अंत में करूँगा, पानी पीने का क्या नियम होने चाहिए। भोजन में कुछ आपके घरों में गलतियाँ हैं जो आप करते हैं,
बहुत बहुत मेजर गलतियाँ करते हैं, जिसका उदाहरण मैं देता हूँ एक इंटरेस्टिंग तरीके से, कि होता क्या है इस प्रकार के सेमिनार कई बार बोरियत की तरफ चले जाते हैं कि कोई बोल रहा है चलो सुन लेंगे, पालन किया नहीं किया। देखिए आप लोग पालन करेंगे तो आपका सौभाग्य है, मेरा नहीं, मुझे नहीं पड़ी आप लोग पालन करें ना करें, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना पुण्य कमा लूँगा आपको ये बात बताकर, बाकी आपका काम है। वो जो नियम है वो क्या टूटते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ, कि जब आप कभी शादी समारोह का आपने देखा होगा, शादी समारोह में आजकल जो है आतिथ्य जो है वो आतिथ्य आतिथ्य नहीं रह गया, वो ठेके पर खाना देकर किसी तरह खिला पिलाकर लोगों को भेज देने का काम हो गया है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि शादी समारोह का जो भोजन है वैसा ही भोजन आप रोज़ अपने घर में बनाकर भी खा रहे हो तो आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। आप कहेंगे कैसे? पहला जो नियम है वो है कि रात में भोजन करना, शादी समारोह का जितना भी भोजन है सब रात में होता है, 8 बजे भोजन शुरू होगा, 9, 10, 11, 12 बजे, और जो नव दंपति हो दोनों की तो किस्मत इतनी ख़राब होती है कि रात में 12-1 बजे ही भोजन शुरुआत, भोजन खाकर उनके जीवन की शुरुआत होती है। और ये आयुर्वेद में लिखा गया है कि जो दंपति विवाह के 6 महीने में अगर उन्होंने आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ खाई तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। ये छोटी सी बात है, मैं बड़ी बारीकी से बात कुछ बताऊंगा आपको। तो पहला है भोजन का समय, कि रात में भोजन करना जो है वो निशाचरी जीवन का सूचक है, कि निशाचरी जीवन आप जी रहे हैं, मतलब सूर्य अस्त के बाद भोजन करना हिंसा माना गया है, सिर्फ जैन धर्म में नहीं सब के लिए, लेकिन पालन कौन कर रहा है, शायद जैन भी नहीं कर रहे। मैं जैन नहीं हूं लेकिन मैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में डिनर कर लेता हूं। आप कहेंगे आपके लिए संभव है, हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी संभव था जब मैं रात को 11 बजे ऑफिस से आता था, ऐसा नहीं है, करने की बात है, मरता क्या ना करता कि सिचुएशन जब तक नहीं आती हम कुछ नहीं करते, पेट भी नहीं कटवाते ऑपरेशन के लिए, लेकिन बीमारी होने के बाद सब ध्यान आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य अस्त के बाद भोजन करना निशाचरी जीवन का सूचक है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक ऑर्गन होता है हमारा हृदयावरण, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का रिपेयरिंग चलती है, अगर आप टाइम भारतीय जो आजकल मॉडर्न जो टाइम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 7 से लेकर 9 बजे तक पेरिकार्डियम की रिपेयरिंग चलती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? एक ऐसी थैली होती है, अगर मैं सादी भाषा में बात करूं, जिस थैली के अंदर हृदय डूबा होता है, क्योंकि हृदय दिन भर काम करता है तो उसको ठंडा रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए एक थैली में वो डूबा होता है जिसमें एक लिक्विड होता है जिसमें हृदय डूबकर काम करता रहता है। तो उस आवरण का रिपेयरिंग जो है वो शाम के 7 से 9 बजे का निर्धारित है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा भोजन जब उस समय होता है तो वो जो शरीर आराम करना चाहता है, रिपेयरिंग करना चाहता है, उस समय शरीर में भोजन डालकर हमने हिंसा कर दी शरीर के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जीवन सूर्य से संचालित होता है, सूर्य से, सूर्य उगेगा तो प्राकृतिक रूप से भूख लगेगी, सूर्य डूबेगा तो प्राकृतिक भूख लगेगी, उसके अलावा जितनी भी भूख है वो सारी अप्राकृतिक है, वो कुछ सूंघकर आपको भूख लग गई, खाना देखकर आपको भूख लग गई, पूरी बाजार व्यवस्था खाने की इसी पे चल रही है कि आपको इस तरह से खाना दिखाया जाए कि देखकर भूख लग जाए आपको किसी तरीके से, लेकिन प्राकृतिक भूख 2 ही बार लगती है, सुबह और शाम, सूरज डूबते समय, सूर्य उगते समय। और आप लोग कॉलेज में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते होंगे, आपने ये देखा होगा कि शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक बहुत भयंकर भूख लगती है, उस समय आपके साथ ही कोई समोसा ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा, कुछ कभी, क्योंकि नेचुरल भूख उस समय लगी, आप उस समय अपने शरीर में कचरा डाल लेते हैं लेकिन डिनर नहीं डालते, और वो है समय डिनर करने का, सात्विक भोजन करने का, या भोजन ना करें तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन वो कचरा शरीर में मत डालिए, जिसको मैं जंक फूड बोलता हूँ, क्योंकि जंक का हिंदी में अर्थ ही कूड़ा होता है, पता है ना आप लोगों को, जंक फूड का मतलब कूड़ा भोजन, चलो जंक फूड खाने चले या चलो कूड़ा खाने चले, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो वो कूड़ा शरीर में मत डालिए, क्यों डालेंगे तो बीमार पड़ने वाले हैं, वो बूंद बूंद करके सागर भरेगा, वो एक एक समोसा एक एक कचौरी जो है ऐड होकर आपको हृदय रोगों में फंसाएगी, क्योंकि एक तो वो सूर्य अस्त के बाद है, दूसरा आपके पेरिकार्डियम की रिपेयरिंग नहीं होने देता, इसी कारण से हृदय रोग बढ़ते हैं। तो पहले बात तो ये कि रात में भोजन नहीं करना, लेकिन आप शादी समारोह में चलो मजबूरी है कि जिसने बुलाया है उसने करवा दिया, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है, घर में कौन मना करता है आपको?
आप लोगों में से जब प्रश्न उत्तर सेशन होगा शायद पूछ सकते हैं मुझसे कि हम तो ऑफिस में हैं, 6 बजे दुकान संभालनी है, ऑफिस संभालना है, कुछ भी संभालना है, कैसे करें, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करें। अभी लंबा चलेगा थोड़ा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। जिसको जानना होगा, जिसका दीक्षा होगी, मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा नियम टूटता है कि हम लोग भोजन जितना भी करते हैं वो सारा का सारा खड़े होके करते हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठ के करते हैं। एक ये नियम है बड़ी परेशानी है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की अगर आप मैं बात करूं, उन लोगों के वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ के जॉइंट्स जो है इतने कड़क होते हैं कि वो आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते। उन्होंने इसलिए मजबूरी में आधा बैठकर भोजन करने की पद्धति बनाई या खड़े होकर खाने की पद्धति बनाई, जिसको बुफे सिस्टम बोलते हैं। तो हमारी क्या मजबूरी है, हमारे जॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं हम लोग, लेकिन उनकी नकल करते हैं। हमने नहीं सोचा कि घर में डाइनिंग टेबल क्यों लाए हैं हम लोग। हम केवल खड़े होकर खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सभ्य माना जाता है। नीचे बैठकर अगर मैं भोजन करूँगा, अगर आप शायद इसके बाद भोजन होगा करूँगा, तो शायद मुझे असभ्य माना जाए। मैं चप्पल जूते उतार के भोजन करूँगा तो शायद मुझे असभ्य माना जाए, लेकिन वास्तविकता इससे उल्टी है। तो जूते चप्पल पहन के भोजन करना पड़ेगा अगर आप खड़े होकर या डाइनिंग टेबल बैठकर भोजन करेंगे, और जूते चप्पल पहनकर हमारे यहाँ भोजन नहीं किया जाता, क्योंकि वो भोजन का अपमान है और हमारे यहाँ अन्न को देवता माना जाता है, और देवता का अपमान करना गलत है क्योंकि वही हमारे शरीर का पोषण करता है। तो बैठकर अगर आप भोजन करेंगे तो आपका खाना अच्छे से पचेगा भी और आपके खाने का सम्मान भी होगा और वह खाना पोषण भी देगा आपको। तो दूसरा नियम टूटता है। शादी समारोह में परेशानी है, लेकिन घर में कौन मना करता है? घर में तो कोई मना नहीं करता, लेकिन हम फिर भी डाइनिंग टेबल मंगवा कर खाते हैं, वो जगह घेर कर बैठी है, नीचे बैठ के नहीं खाते। तो एक ये नियम सुधारेंगे अपने लाइफस्टाइल में, तो जिनका पेट निकला हुआ है बाहर, नीचे बैठकर भोजन करने से पेट उनका अंदर होगा। इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है। इसके बाद जो अगला नियम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि किस बर्तन में खाना खाया आपने या बनाया आपने। तो किस बर्तन में खाना खाया ये आपको देखना होगा कि शादी समारोह का भोजन किस बर्तन में बन रहा है। वो बन रहा है सारा एल्यूमिनियम के बर्तनों में, और एल्यूमिनियम के बर्तनों में इसलिए बनता है कि शायद उसकी कुछ मजबूरी होगी, हल्का होता है, सस्ता होता है, कोई भी कारण रहा होगा। हमारी क्या मजबूरी है कि हम घर में प्रेशर कुकर में खाना बनाएं? क्योंकि एक नियम है कि जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं लगा वो भोजन कभी नहीं करना, क्योंकि वो भोजन विष है। ये राजीव दीक्षित जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने इस नियम को सालों साल पढ़ा, विश्लेषण किया, तब बताया। तो हमको भी ये पता चला कि अगर प्रेशर कुकर में आप भोजन करेंगे तो ना तो उसको सूर्य का प्रकाश लगता है, ना पवन का स्पर्श लगता है, और ऊपर से एल्यूमिनियम का होता है। तो दुनिया में सबसे खराब मेटल है एल्यूमिनियम, जिसमें आप खाना रख सकते हैं, बना सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज, सांस की प्रॉब्लम, टीबी, अस्थमा, ये सब अगर करवाना ही है तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप निसंकोच खा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ठीक होना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा। फिर वो तर्क आएंगे कि देर में खाना बनेगा, जल्दी बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि एल्यूमिनियम हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया, क्योंकि बॉक्साइट की खदानें भरी पड़ी है हमारे देश में, लेकिन उसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी भी एल्यूमिनियम नहीं बनाया। ऐसा नहीं था कि उनको मेटलर्जी नहीं पता थी, मेटलर्जी पता थी, इसीलिए कुतुब मीनार में जो खंबा लगा हुआ है वैसा खंबा, वैसा स्टील, दुनिया में सबसे बेस्ट स्टील बनाने की जो हमारे यहाँ था प्रोसेस थी, यहाँ पर गांव गांव में झोपड़ियों में ऐसा स्टील बनता था जो आज शायद टाटा स्टील भी ना बनाता हो। लेकिन इतनी मेटलर्जी का पता होने के बावजूद उन्होंने एल्यूमिनियम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको पता था कि आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी अगर हमने एल्यूमिनियम के बर्तन इंट्रोड्यूस कर दिए। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए मिट्टी के बर्तन, पीतल, कांसा, जिससे स्वास्थ्य बढ़ता है, पोषकता नष्ट नहीं होती। तो इसीलिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, गांव जाते हैं आप, वहाँ पे चूल्हे में मिट्टी की हांडी में बनी दाल का जो स्वाद है वो प्रेशर कुकर की हांडी में बनी दाल के स्वाद में नहीं आता, क्योंकि वो पकती नहीं है। प्रेशर कुकर में उबल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जब चूल्हे पे पकती है या मिट्टी की हांडी में, गैस के ऊपर भी पकाएंगे, पकेगी तो स्वाद भी आएगा और पोषकता भी आएगी। तो दाल जिस पर्पस के लिए खा रहे हैं वो खुद आप नष्ट कर देते हैं, तो कहाँ से कैल्शियम की कमी पूरी होगी? तो कैल्शियम की गोलियाँ ही खानी पड़ेंगी ना, खानी पड़ती है ना। तो
तो ये ध्यान दीजिएगा बर्तन कौन सा है, ऊपर से प्लास्टिक का बर्तन है वो सब भी खराब ही चीज़ है। इसके बाद आता है तेल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तेल कौन सा प्रयोग करते हैं। तो 2011 से पहले मैं पूछता था किसी के पास जाकर कि आप तेल कौन सा, किस तेल में बनाई है आपने, कोई बाहर खाते थे अगर कि कौन से तेल में बनाते हो, कहता था रिफाइंड ऑयल में, तो हम कहते हाँ फिर तो दे दो आप। आज उल्टा है, अगर रिफाइंड तेल में बनाया है तो नहीं खाते। आप कहेंगे क्यों, मैं इसके ऊपर आधा घंटा बोल सकता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एक महत्व समझाना चाहता हूँ। हमारे गांव के लोग जो शिक्षित बहुत है लेकिन साक्षर भले ही ना हो, क्योंकि साक्षरता और शिक्षा में फर्क है। क्योंकि मुझे लगता है जो स्कूल नहीं गया वो ज्यादा शिक्षित है, ये मेरा विश्लेषण है, आप लोग जिस तरह से समझना चाहें। क्योंकि ये जो मैं बात बताने वाला हूँ तेल के बारे में, एक लाइन में एक गांव की बूढ़ी महिला ने मुझे एक लाइन में पूरा तेल का विज्ञान समझा दिया, जो अंगूठा टेक थी जिसको कुछ नहीं पता था पढ़ाई के मामले में, लेकिन उसे ज्ञान बहुत था। मैं भिवानी में गया, एक गांव में मेरा व्याख्यान था गांव के लोगों के बीच में, तो उस बूढ़ी माँ ने मुझे आमंत्रित किया कि आप मेरे घर खाना खाओ। तो मैं हम गए शाम को खा रहे थे, तो मेरे साथ एक BRC के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर RN वर्मा, वो पहले परमाणु बम बनाने की उसमें भी टीम में शामिल थे, तो 74-75 साल के हैं लेकिन मित्र हैं फिर भी। तो हम दोनों उनके घर खाना खा रहे थे, तो हमने ऐसे ही उन माता जी से पूछा कि माता जी तेल कौन सा प्रयोग करते हैं। तो उन माता जी ने बोला बेटा मैं तो सरसों का तेल प्रयोग करती हूँ। तो हमने कहा माता जी बड़े पिछड़े हुए हो आप, जानबूझ के हमने बोला कि माता जी बड़े पिछड़े हुए आप, तो ये जो ऐड आते हैं TV में वो तो रिफाइंड तेल को, डबल रिफाइंड तेल को, इन सबको बड़ा अच्छा बताते हैं कि आप अच्छी पत्नी ही नहीं हो अगर आप रिफाइंड तेल में खाना नहीं बनाते, आप अच्छी माँ ही नहीं हो अगर आप रिफाइंड तेल में खाना नहीं बनाते। तो बोले बेटा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जिस तेल से मैं अपने पोते की मालिश नहीं कर सकती मैं उसे खा भी नहीं सकती। उसने एक लाइन में हमारे आधे घंटे का लेक्चर ख़त्म कर दिया, और मैं और वो जो साइंटिस्ट थे हम दोनों एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये बोल क्या गए। और हमने उस दिन पूरे दिन विश्लेषण किया कि हम जो एक एक घंटा लोगों का टाइम खराब करते हैं तेल का विज्ञान समझाने में, इन माता जी को चढ़ा देना चाहिए मंच पे, यही समझा देंगे। क्योंकि वो क्या बोल गई कि कितना ही अच्छा तेल हो, आप सब लोग विश्लेषण करिए, कितनी ही बड़ी ऐड आती हो उसकी, अगर कच्ची घानी का तेल नहीं है तो आप उसे अपने शरीर पे नहीं लगा सकते। सच है झूठ है, आप अपने सर पे कोई भी रिफाइंड का तेल कितनी बड़ी कंपनी का हो, चाहे आजकल जो ज्वाइन द ऑलिव ऑयल रेवोल्यूशन आ चुका है जिसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेड ऑलिव ऑयल 1,000 रुपये लीटर, 1,200 रुपये लीटर, 1,500 रुपये लीटर, उसको भी आप सर पे नहीं लगा सकते। लगाने के लिए सर पे कौन सा तेल होगा, कच्ची घानी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल। तो ये इतना बड़ा विज्ञान हमारे पूर्वजों को पता था कि जो शरीर के लायक नहीं वो खाने लायक भी नहीं। और लगा कर देखिएगा किसी दिन रिफाइंड ऑयल को एक हाथ पे और एक हाथ पे सरसों का तेल, क्या होता है, कौन सा तेल एब्जॉर्ब करती है आपकी स्किन, रिफाइंड तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप बोलेंगे ऑलिव ऑयल में क्या खराबी है, ऑलिव ऑयल में अपने आप में कोई खराबी नहीं, बड़ा वर्जिन ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, लेकिन आपके देश में नहीं उगता, परेशानी ये है, स्वदेशी की भावना कहां से आएगी। आपके देश में नारियल उगता है लेकिन उत्तरी भारत में कोई ऐसा है जो नारियल के तेल में खाना बनाता हो, है कोई, कोई नहीं बनाता, लेकिन आपके देश में उगता है। क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, वो साउथ के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता है, नॉर्थ के हिसाब से सूट नहीं करता, लेकिन आपके देश में उगती हुई चीज आप इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ क्लाइमेटिक डिफरेंस की वजह से, तो आप अगर देश में ही नहीं उग रहा कोई चीज तो आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसीलिए ऑलिव ऑयल भले ही वर्जिन ऑयल हो लेकिन आपको इस्तेमाल करने लायक नहीं, इस्तेमाल वही करिए जो आपके 20-30 किलोमीटर के क्षेत्र में उगता है। तो ये क्योंकि ये तेल जो है जब से रिफाइंड आया हमारे देश में, जब से ये डालडा तेल आया हमारे देश में, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बन गया हृदय रोगों में, हार्ट की प्रॉब्लम्स में, और इसका बकायदा षड्यंत्र चलाया गया कि ड्रॉप्सी नाम की एक बीमारी जो ना कभी पहले आई थी ना उसके बाद आई, आई आई और चली गई, लेकिन उसके बहाने हजारों लोग रिफाइंड सरसों के तेल से स्विच कर गए और इन कंपनियों की चांदी हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला गया, और षड्यंत्रों की मैं बात करूंगा धीरे धीरे कि क्या षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं आपके भोजन पानी बिगाड़ने का। लेकिन ये जो तेल है, ये जो हमारे देश में सबसे ज्यादा रोग है, वात के रोग, वायु के रोग, सबसे ज्यादा 80 के करीब रोग हैं, जिसमें जोड़ों का दर्द भी है, जिसमें और बहुत सारी दिक्कतें हैं,
बहुत सारे रोग हैं, ये सब रोग तेल की खराबी के कारण होते हैं। अगर गलत तेल खाएंगे तो होगा ही होगा। और एक और बड़ी बात है, ये लोग कहते हैं कि इस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये नहीं होता, ये सब जो है झूठ बोलते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक रिसर्च आई है जिसमें पूरी की पूरी एलोपैथी की फ्रेटर्निटी ने ये माफ़ी मांगी है कि हमसे गलती हो गई। हमसे गलती ये हो गई कि हम लोगों ने जो आज तक प्रचारित करते आए थे कि कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें नहीं होता, वो पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि किसी भी भोजन में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। कि कोलेस्ट्रॉल तब बनेगा जब आप शुद्ध तेल खाएंगे और लिवर उसको बनाएगा। खराब तेल खाएंगे तो खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अच्छा तेल खाएंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। मतलब LDL और VLDL बनेगा जब आप रिफाइंड तेल खाएंगे, और HDL बनेगा जब आप सरसों का तेल खाएंगे या देसी गाय का घी खाएंगे। क्योंकि आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि सरसों का तेल का बहुत अच्छा विकल्प अगर है तो वो है भारतीय देसी गाय का देसी घी। हम हार्ट के पेशेंट्स की ब्लॉकेजेस दूर करते हैं गाय का घी खिलाकर। गाय का घी वो जो बिलोने से बनाया गया हो, मलाई से नहीं। मलाई से बनाया गया घी बटर ऑयल होता है, और जो बिलोकर बनाया गया घी घृत होता है। ये डिफरेंस माताओं बहनों को ज़रूर समझना पड़ेगा कि जो मार्केट में जितना भी घी मिल रहा है सब का सब बटर ऑयल है। क्योंकि घी बनाने की एक विधि है, वो तभी फ़ायदा करेगा। बटर ऑयल खाएंगे तो ब्लॉकेजेस दूर नहीं करेगा, बिलोना जो गांव में बिलोना करते थे ना वैसे बनाएंगे तो दूर करेगा। उसकी प्रोसेस मैं आपको फिर कभी बताऊंगा जब बाद में समय अगर मिलेगा। तो तेल आपका जो है वो सही होना चाहिए, लेकिन आपके घर में जो है आज इन एड्स को देखकर, इन विज्ञापनों को देखकर, ये पूरी प्रोपेगेंडा देखकर आपको लगता है कि तेल तो मुझे रिफाइंड ही खाना चाहिए, बंद कर दीजिए। घर पे अगर रखा है तो बहा दीजिए नाली में, क्योंकि जितना का वो है नहीं उतने की बीमारियां करने वाला है। फिर आप कहेंगे महक आती है, वो सब आपके सरदर्द है, मेरा सरदर्द नहीं है। वो आपके दिमाग की एक मेंटल ब्लॉकेज है कि महक आएगी, बदबू आएगी, वो सब आपके प्रॉब्लम, वो सब उसके गुण हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों, अगर आप कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो ना, तो देखिए हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ क्यों बनाई, कोई सोच के बनाई होगी ना, हमसे ज़्यादा समझदार थे। तो ध्यान रखिए, तेल तेल सुधारना है आपने। इसके बाद आता है नमक। नमक हम लोग रिफाइंड खाते हैं या आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। पानी देखिए, नमक जो है हम लोग रिफाइंड खाते हैं या आयोडीन युक्त खाते हैं, क्योंकि मेरे सिलेबस में था, मेरे स्कूल की किताबों के सिलेबस में था। तो मैंने जो मेरे माता पिता ढेले वाला नमक खाया करते थे उनको ये कहा कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज आ गई है, किताबों में जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोग ये ढेले वाला नमक बंद करिए और ये आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करिए। लेकिन उसके बाद दोबारा अपने गलती का एहसास करते हुए जब राजीव दीक्षित जी को सुना तो पता लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? कि ये जो नमक है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चला डीपॉपुलेशन का। डीपॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या ना बढ़ पाए, ये षड्यंत्र है। जनसंख्या बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जनसंख्या कम करना का प्रयास जो है वो नमक के द्वारा भी हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? ये 2011 के सेंसस की रिपोर्ट है कि हमारे देश में 25% लड़कियाँ और 30% लड़के इनफर्टाइल हो चुके हैं, जो माँ बाप नहीं बन सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इसका बहुत बड़ा जो कारण है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं सबसे पहले हम उनका आयोडीन युक्त नमक बंद करते हैं। क्योंकि आयोडीन युक्त नमक जो है वो तो शरीर में जाकर एसिडिक बनता है, एसिडिक शरीर करता है, उसके कारण जो है वो बच्चा करने की क्षमता वो कम हो जाती है। और ये घर घर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इस्तेमाल करता है, इसलिए इस रिफाइंड तेल को, इसको रिफाइंड जो नमक है घर घर पहुंचा दिया गया। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि जब आप व्रत करते हैं तो कौन सा नमक खाते हैं? तब हम खाते हैं सेंधा नमक, ईश्वर को खुश करने के लिए या उनका उपवास करने के लिए या कुछ भी पूजा करने के लिए। लेकिन
ईश्वर को खुश करने के लिए रिफाइंड नहीं खाएंगे, सेंधा नमक खाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर से रिफाइंड नमक खाएंगे, ये क्या विज्ञान है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं कहता हूं, जिस दिन वो पवित्र काम करने के लिए आपने जो नमक खाया वो बाद में क्यों नहीं खा सकते? और जो फ्री फ्लो नमक है ना, फ्री फ्लो नमक, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल है जिसको मिलाकर वो फ्री फ्लो बनाया जाता है, जिसको एंटी केकिंग एजेंट बोलते हैं, जो सीमेंट में भी डलता है। तो आप लोग जो नमक खा रहे हैं वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, खारा लगने वाली एक वस्तु है, नमक नहीं है, जिसमें 88 के करीब मिनरल्स होते थे। वो सारे मिनरल्स प्रोसेस करने के नाम पर निकाल लिए जाते हैं और आपको सिर्फ एक खारा सोडियम क्लोराइड दे दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब नमक खाएंगे प्योर आप, तो जब जीभ पर लगाएंगे तो लार बनेगी आपकी, और जब ये आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो सिर्फ खारा खारा लगेगा, लार नहीं बनेगी आपकी। तो ये जो नमक है इसको बदलना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज, थायराइड के मरीज, इनफर्टाइल लोग, उन सब के लिए आयोडीन युक्त नमक हमको बंद करना पड़ता है। सिलेबस में क्या दिखाया गया कि आप ये नमक नहीं खाओगे तो गोइटर हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा, आप लोग ये नमक नहीं खाओगे बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो जाएगा, ये ऐड किया गया बकायदा उस चीज़ का। और ये ऐड वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ थे, हमारी भलाई के लिए नहीं थे, क्योंकि करोड़ों रुपए की चांदी हुई इन कंपनीज की जिन्होंने इस नमक को बनाना शुरू किया। ढेले वाला नमक, नमक का नेचुरल एक गुण है नमी एब्जॉर्ब करना, अगर वो फ्री फ्लो है तो वो नमक ही नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है। तो कृपया करके नमक अपना बदलिए। तो ये इसके बाद आती चीनी। चीनी जो है वो सभ्यता का एक फर्क बताती है कि गुड़ की एक ही सभ्यता में एक ही रॉ मटेरियल से दो अलग अलग चीजें कैसे बन सकती हैं। कि यूरोपियन सभ्यता में उनको जो गन्ने का रस था उससे चीनी बनाना आया, हमारे देश में उसी गन्ने के रस से गुड़ बनाना आया। और गुड़ चीनी की ऑपोजिट है, उल्टी है पूरी। चीनी खाओगे खाने के बाद तो वो खाने को खुद भी नहीं पचेगी और खाने को भी पचने में मुश्किल कर देगी, और गुड़ खुद भी पच जाएगा और खाने को भी पचाने में पूरे जोर लगा देगा। ये गुड़ का गुण है, रॉ मटेरियल सेम है। ये फर्क है सभ्यता का। जिस गेहूं के आटे से हम लोगों ने रोटियां, कचौड़ी, पूरी बनाना सीखा, उसी गेहूं के आटे से उन्होंने मैदा और ब्रेड बनाना सीखा। रॉ मटेरियल सेम है। तो चीनी जो है वो एक और ख़तरनाक वस्तु है, एक जहर, हम सफ़ेद जहर बोलते हैं। जब हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक करते हैं तो उसमें ये दो सफ़ेद जहर का हम नाम ज़रूर लेते हैं कि घर से हटाना ही पड़ेगा। एक है सफ़ेद नमक आयोडीन वाला और एक है सफ़ेद चीनी, ये ज़रूर हटानी पड़ती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें आप घर में बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं हमारी पीढ़ियों को कमज़ोर करने में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें लेकिन हमारे जो हैं पीढ़ियाँ बीमार हों, जिनसे उनका धंधा चले, उनके दवाइयों का धंधा चले, उनके खाने का धंधा चले और उनके बाकी सब धंधे चलते रहें, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे। और ऐसा है, अगर ये ऐसा होता नहीं होता तो आज हर छोटे शहर में एक एक किलोमीटर लंबी हॉस्पिटलों की दुकान नहीं होती, वो हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ जाने का मतलब ये है कि जीडीपी बढ़ रही है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो जीडीपी बढ़ रही है। आप कहेंगे कि ये किस किस बिना पे आप कह सकते हैं, क्या सबूत है आपके पास? तो उसके लिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ 3 मिनट का आपको, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि दुनिया की कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। जो पहला वीडियो डाउनलोड किया था पोलियो के अलावा, दूसरा एक बार वो चलाइएगा जरा। इस वीडियो को मैं अभी इससे पहले कोई भूमिका नहीं दे रहा हूँ, खुद देखिएगा, उसके बाद उसका विश्लेषण मैं थोड़ा सा दूंगा और आप लोग अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये वीडियो भी एक ऐसे व्यक्ति का है जो शायद आप उम्मीद ना करें कि मैं इस विषय में इस व्यक्ति को घसीट कर लाऊंगा, लेकिन इसके दो वीडियो है मेरे पास कि जो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वो आज आपकी भ्रांति टूटेगी। आवाज़ करके दोबारा से स्टार्ट कीजिए, दोबारा से पीछे से बैक कर दीजिए। And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather,
Perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, you know, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, you know, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than one ton. It's an average of about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now, that's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. रोक दीजिएगा, रोक दीजिए। आप लोगों ने आखिरी लाइन सुनी? क्या बोली उन्होंने? ध्यान दिया किसी ने आखिरी लाइन पे? एक बार थोड़ा सा आखिरी का जो 6.8 billion people और एक बार दोबारा चलाइएगा, फिर इस वीडियो को हम वो करेंगे। First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. आप लोगों ने सुना इसने क्या कहा? ये है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, मालिक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। ये बात किस बारे में कर रहा है? वैक्सीन्स के बारे में, हेल्थ सर्विसेज के बारे में। तो ये एक टेड का फॉर्म है। यहाँ पर ये लेक्चर दे रहा था, तो इसने कार्बन एमिशंस कम करने के लिए फॉर्मूला बनाया कि पीपल इनटू सर्विसेज इनटू व्हाटएवर। तो ये कहता है कि इनमें से एक को जितना हम जीरो के नज़दीक लेकर जाएंगे, पूरा कार्बन एमिशन कम होता जाएगा। तो जो इसने ख़तरनाक बात कही, जो लोगों ने फिर तालियां भी बजाई, उनको समझ में शायद नहीं आया क्या कह गया ये। इसने कहा कि दुनिया में जो 6.8 बिलियन लोग हैं, 2021 तक 8 या 9 बिलियन लोग हो जाएंगे। तो अगर हम बहुत अच्छा काम कर पाए, इफ़ यू डू अ रियली गुड जॉब इन वैक्सीन्स, हेल्थ सर्विसेज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, वी कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन बाय 10 to 15%। ये कह के गया है। मतलब क्या है कि आप लोगों को वैक्सीन्स के द्वारा, हेल्थ सर्विसेज के द्वारा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, मतलब जच्चा बच्चा का जो पूरा विज्ञान है, जिसमें दाइयों को आजकल पुरानी चीज़ें छोड़कर नई तरीके से डिलीवरी कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके द्वारा ये दुनिया की पॉपुलेशन 10 to 15% कम करना चाहते हैं। इसके बाद को बस पूरा चला दीजिए, थोड़ा सा रह गया शायद ये नहीं। चलिए बंद कर दीजिए। इसने इसके बाद पूरे लेक्चर में बोलता है कि अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें भारत आता है, इसीलिए इस बिल गेट्स ने 14 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हैवली इन्वेस्ट किया हुआ है और अमिताभ बच्चन इसका एक ब्रांड एम्बेसडर है, जिसको पैसा मिलता है पोलियो का प्रचार करने के लिए, 1995 से मिल रहा है। और ये व्यक्ति उन कंपनीज में हैवी इन्वेस्ट करने के बाद बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता है, जो दुनिया भर में पोलियो के वैक्सीन्स, खासकर भारत में पोलियो वैक्सीन्स को दिलवाने की जिम्मेदारी निभाता है। और उस पोलियो वैक्सीन्स के कारण हमारे देश में जो पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसका कंटेक्स्ट समझिएगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा चल रहा है, जो हमें लग रहा है हमारी भलाई के लिए, वास्तविक में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा खतरा है।
कि उसने पोलियो वैक्सीन के कारण हमारे देश में अकेले एक वर्ष 2010 और 11 में 47,500 बच्चे पैरालिसिस का शिकार हो गए, जिसको बोलते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। और आप कहेंगे ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा इस बिल गेट्स का दूसरा वीडियो है, उसको 2 मिनट का वीडियो है, जिसका मैं भूमिका बता देता हूँ कि ये एक एक्टिविस्ट थी जो ऐसे किसी कॉलेज में बिल गेट्स का भाषण चल रहा था, उसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये चुपके से वहाँ स्टूडेंट बन के घुसी और उसने ये वाला प्रश्न पूछ लिया बिल गेट्स से भारत का नाम लेकर, और बिल गेट्स की रिएक्शन देखेगा उसके बाद, उसके पास जवाब देते नहीं बना, वो घुमा फिरा कर कुछ और कहता है। तो वो वीडियो आपको अभी दिखाता हूँ मैं, ये पोलियो वाला। हाँ, I'm Melissa Melton reporting for the InfoWars Nightly News. Multiple overseas media outlets have reported on the fact that polio vaccines linked to the Bill and Melinda Gates Foundation and his Gavi Alliance have on record caused nearly 48,000 children in India to suffer neurological damage and become permanently paralyzed. Most recently, over 50 African children from Chad also began convulsing after receiving a Gates Foundation-funded meningitis vaccine that specifically targets African people. Those children, some as young as 7, have also subsequently become paralyzed. Yesterday, Bill Gates appeared at a highly controlled speaking engagement to address computer science majors at his new Bill and Melinda Gates Computer Science Complex building on the University of Texas campus. I was able to purchase a ticket from a student and attend the meeting. Though no cameras or recording equipment were allowed inside the meeting, fellow reporter David Ortiz was able to capture a live stream being fed to an adjacent room. When the floor got open for questions, I decided to ask Mr. Gates a real one. Melissa Melton with InfoWars. What do you say to critics who claim your global vaccination program is nothing more than a eugenics program? A huge... eugenics. Over 48,000 children in India have been paralyzed due to polio vaccines linked to your foundation. No. I mean, nothing has saved more lives than vaccination. The key figure that we think about in terms of what we're prioritizing is the tragic death of young people. बंद करते हैं। And तो इसे सवाल पूछते ही बिल गेट्स को सूझा नहीं कि मैं क्या बोलूँ। वो बोलना शुरू किया अपने जो टिपिकल कॉर्पोरेट लैंग्वेज होती है उसको। तो ये सच्चाई है इस देश में कि जो वैक्सीन्स हैं वो आपके बच्चों को बचाने का नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म करने की साजिश है बहुत बड़ी। इसका आप, मैंने कहा था कि आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ टूटेंगी, इसको आप विश्लेषण स्वयं करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको सिर्फ एक दिशा दे रहा हूँ कि आपको किस तरफ काम करना है। मैं सरकार के किसी एजेंडा के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैं जो सत्य है उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे सरकार अपनी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन काम करने का तरीका शायद गलत हो सकता है। वो चाहती है कि हम लोगों को स्वास्थ्य मिले, लेकिन उसे पता नहीं कि कैसे मिले, शायद नहीं पता। और ये जो पूरा वैक्सीन्स का षड्यंत्र है, इसके ऊपर मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहूँगा। मैं जो बात करना चाहूँगा वो इस विषय में कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका और यूरोप से कोई भी चीज़ आई हुई, हर चीज़ हमारे लिए भले के लिए नहीं होती। वहाँ की पंक्चुअलिटी, वहाँ का शिष्टाचार, वहाँ का ईमानदारी से काम करना, अपने काम को करना, ये सब गुण हैं जो हमें उनसे लेने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन गुणों को उन्हीं तक सीमित रहते हैं, हम तक तो केवल पहुँचता है तो प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमारे देश के लोगों का मानस बदला जाता है, या हमारे देश के लोगों का मानस बदलकर उनका बाजार क्रिएट किया जाता है जिससे उनका बाजार बढ़े। जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज जो हमारे देश में शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट, इन सब की जो बिक्री बढ़ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को लगता है कि अमेरिका और यूरोप वाले ये सब लगाते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो आज आप इस विज्ञान को समझ लीजिए कि वो क्यों लगाते हैं और हम उनके नकल क्यों करते हैं। कि ध्यान रखिएगा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सारे के सारे मौसम हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश में है, जिसको समशीतोष्ण जलवायु बोलते हैं। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें ऐसा होता। 16 प्रकार की जलवायु हैं जो पूरी दुनिया में है, वो हमारे पूरे देश में वो जलवायु आप देख सकते हैं। मरुस्थल देखना हो हमारे देश में है, -40 डिग्री टेम्परेचर देखना हो हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा बारिश देखनी हो हमारे देश में है, धूल भरी आंधियाँ देखनी हो हमारे देश में है, और समुद्र तट देखना हो हमारे देश में, हर जलवायु हमारे देश में है। और हमारा देश
इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा जो धूप है, सूर्य के प्रकाश है, हमारे देश को ही सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे अधिक मिलता है। इस कारण से दुर्भाग्य है बाकी यूरोपियन देशों का कि उनको ये सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। इसी कारण से उनका जीवन क्या होता है, वहाँ या तो ठंड होती है या भयंकर ठंड होती है। इस कारण से उनका जीवन जो इतना स्ट्रगल वाला हजारों साल से ऐसा हो जाता है कि वो लोग सर्वाइवल के लिए उनको अनुशासन में रहना ही पड़ता है। और हम लोगों के लिए तो सब कुछ सहज है, जिस दिन उनके वहाँ धूप निकलती है तो गुड मॉर्निंग होती है, हमारे यहाँ रोज़ ही गुड मॉर्निंग होती है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि वो लोग जो वहाँ का क्लाइमेट है उसके अनुसार उनके खाने की आदतें ऐसी हैं कि रोज़ रोटी नहीं बना सकते, इसलिए उनको ब्रेड बनानी पड़ी जो कई दिनों तक सुरक्षित रहे, 3 महीने 4 महीने वो बासी ब्रेड को खाते हैं। हमारे यहाँ ब्रेड खाने का क्यों है कल्चर? क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज़ ताज़ी रोटी बनती है, हमारे यहाँ घर में हर माँ बहन को आटा गूंदना आता है, तो वो आटा गूंद कर ताज़ी रोटी बना सकती है, लेकिन वो ब्रेड खाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये कन्वीनियंट है। हमारे दिल्ली में भंडारे होते हैं बहुत, कई लोग पूरी नहीं बनाते, ब्रेड और आलू की सब्जी से ही काम चला देते हैं, ऐसा है, उनके लिए कन्वीनियंट है। तो मैं कहता हूँ ये जो क्लाइमेट का डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा कि जो लोग मैदा रोज़ खाएंगे, चिल्ड पानी पियेंगे, चिल्ड शराब पियेंगे, बियर पियेंगे, उन सबके पेट में कॉन्स्टिपेशन होने ही वाली है, कॉन्स्टिपेशन होने ही वाली है। तो इसके कारण क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा और पुराना कॉन्स्टिपेशन होगा, हमेशा ध्यान रखें कि उसके मुंह से बदबू आएगी, पहला। दूसरा, उसकी स्किन जो है वो ड्राई होगी। तीसरा, उसके बाल बहुत कड़क होंगे, उसके पसीने में से बदबू आएगी। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनी में काम करता था, भारत में ही क्लाइंट्स आते थे और उनको इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत रहता है, तो क्लाइंट्स आते थे तो मैं देखता था उनके उनकी स्किन को, उनकी उनकी जो बालों का था कि ये क्यों ऐसे होते हैं। हमें लगता है ठीक है इनके क्लाइमेट में होगा, लेकिन तब पता लगा कि ये लोग कई दिनों तक नहाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी कमी है। नहीं नहाते तो शरीर की बदबू छुपाने के लिए उनको डिओड्रेंट लगाना ही पड़ेगा। इसलिए हर फॉरनर जो होता है, यूरोपियन या अमेरिकन खासकर, वो महकता रहता है, बहुत तेज़ महक आती है उसके शरीर से, अप्राकृतिक। दूसरा, उनके मुंह से बदबू आती है, इस कारण से वो माउथ फ्रेशनर यूज़ करते रहते हैं, स्प्रे करते रहेंगे बार बार। तीसरा जो है, उनके बाल कड़क होंगे तो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा उनको, जिससे कि वो सॉफ्ट लगे उनको। स्किन कड़क हो जाती है इसलिए उनको लोशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ऐड कर करके हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया कि हम लोग बिना सोचे समझे, जिनकी स्किन रूखी नहीं, जो बहुत अच्छा सूर्य निकलता है, सब कुछ बढ़िया है, हम लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स उनकी देखा देख करने शुरू कर दिया बिना अकल के। वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे, अपने देश के लिए ईमानदार थे कि अपने देश के लिए पैसा कमाने के लिए उन्होंने डिवाइस किया वे, लेकिन हम लोगों को क्या प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने उनका बाजार बढ़ा दिया? ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए। क्योंकि एक छोटा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सोचोगे, ये उदाहरण कोई देता नहीं इस तरह की टॉक्स में, मल त्यागने की प्रक्रिया, मल त्यागने की प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक थी हमारे देश में, है भी वैज्ञानिक, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको पूरा बिगाड़ के रख दिया। उसके ऊपर फिल्में बन रही हैं। क्या बन रहा है अभी? टॉयलेट एक प्रेम कथा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ऐसी फिल्में बनाते हुए, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है आज के कंटेक्स्ट में सही है, लेकिन जो मानस बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने घर में टॉयलेट नहीं बनाया। एक कारण था, सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक का समय जो होता है वो हमारे फेफड़ों के लिए होता है, जिसमें हमारा फेफड़ा बहुत एफिशिएंटली प्राणवायु को खींच सकता है, और उसके बाद जो है वो बड़ी आंत का समय होता है 3 से 5 के बाद 5 से 7, ये प्लस माइनस आधा ही घंटा हो सकता है, एग्जैक्ट मत सोचिएगा, लेकिन सुबह 5 से 7 तक बड़ी आंत का समय होता है जब एफिशिएंटली आपका पेट साफ हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, हमारे घरों में पहले गाँव के अंदर टॉयलेट नहीं होते थे, तो टॉयलेट करने के लिए दूर जाना पड़ता था। आप अभी कंटेक्स्ट में उसके कुतर्क मन में मत लेके आइएगा, मैं उसका भी समझा दूंगा कि पहले की प्रोसेस जो ओरिजिनल स्वरूप में शुरू हुई थी वो बड़ी अच्छी थी। आज तो समाज ही ऐसा विकृत हो गया कि माँ बहनें सुरक्षित नहीं रही तो शायद बनाना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप क्या था आपको पता होना चाहिए कि सुबह 3 से 5 का जब फेफड़ों का समय होता है, उस समय आपको शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में आनी चाहिए। तो जब आप सुबह सुबह मल त्यागने के लिए थोड़ा चल कर जाएंगे,
तो क्या होगा, सुबह सुबह की प्राणवायु आप लेंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, तो प्राणवायु आएगी तो आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे। उसके बाद जब मल त्याग करने के समय उसकी जो दूषित वायु है वो जब खुले में आप करेंगे तो वो दूषित वायु पर्यावरण में मिल जाएगी आपके फेफड़ों में। जब आप एक छोटे से टॉयलेट में बैठते हैं ना घरों के अंदर, जो सीढ़ियों के नीचे होता है, किचन के साथ होता है, जब सुबह सुबह आप उसमें बैठते हैं तो पूरी मल की दूषित वायु आपके फेफड़ों में आती है। इसी कारण से हमारे देश में 70% लोग माइल्ड टीबी के शिकार हैं आज की डेट में, पता किसी को नहीं है। माइल्ड टीबी, तो सुबह सुबह ये मल त्यागने की जो प्रक्रिया है उसमें दूषित वायु है वो आपके फेफड़ों में जाके फेफड़ों को खराब कर रही, क्योंकि उस समय फेफड़ा बहुत एफिशिएंटली जो भी उसको दोगे उसे सोखेगा। लेकिन क्या बोला गया, हमारे पूर्वज तो बड़े मूर्ख थे, उन्होंने घरों में टॉयलेट ही नहीं बनाया। मतलब जिस किचन के साथ टॉयलेट बना दिया वो बहुत वैज्ञानिक है। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पूर्वज जो बड़े बड़े किले चित्तौड़गढ़ के बना दिए, जयपुर में बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पे किले बना दिए, क्या उनको टॉयलेट बनाना नहीं आता था? आता था, उन्होंने बाय चॉइस नहीं बनाया, कि उनको पता था कि आने वाले पीढ़ियों का अगर फेफड़े हम खराब कर देंगे तो थोड़ा चल के जाकर मल त्यागना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप घर में उसको कूड़े कूड़ा बना के रख दो। तो दूसरा है मल त्यागने की प्रक्रिया, कि जो भारतीय तरीके से बैठने का है वो बहुत वैज्ञानिक था, उसको भी विदेशी तरीका बना दिया, क्योंकि आज घुटने लोग बहुत लोगों के खराब हो गए, क्या करेंगे, तेल खराब है, तो ये कुचक्र है जिसमें हम फंस गए। तो आज ऐसी व्यवस्था बन गई कि मोबाइल में दुनिया भर का कचरा दुनिया के भरा होता है, माताएं सबका दिमाग ऐसा विकृत कर दिया है कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं तो घरों में टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है वो। लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में बहुत अच्छा विचार था। तो आज अगर आप स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूर्वजों को ये मत प्रेरणा दीजिए कि पूर्वजों ने कुछ बहुत गलत करके हमारे घरों में टॉयलेट नहीं बनाए। यही जो भाव है आपके पूर्वजों के प्रति आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप अपने देश की इज्जत करेंगे, नहीं तो अपने पूर्वजों को कोसते 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 आपके अंदर की आस्था खत्म हो जाएगी, और जो आस्था विहीन व्यक्ति होता है उसको काबू करना बहुत आसान होता है, जैसे ये बाकी पूरा बाजार आपको काबू करता जा रहा है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी 5 मिनट बचे हैं, 1 घंटे का समय मुझे मिला था, लेकिन बस 5-7 मिनट बचे हैं, तो भोजन और पानी का जो विकृति है, भोजन की विकृति मैंने आपको बता दी, पानी की विकृति मैं आपको बताऊंगा अभी, कि पानी भोजन आपने ये जो बाजार व्यवस्था आपको निर्धारित कर रही है कि आपको सिर्फ भोजन करना है पेट भरने के लिए, आप भोजन कर लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो, हमारा बना हुआ सैंडविच खा लो, पेट भर लो, कुछ पोषकता की कमी होगी तो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये व्यवस्था बाजार की व्यवस्था है। तो आपको सप्लीमेंट्स बेचने के लिए विटामिन भी हम गोली से खिला देंगे, आयरन भी गोली से खिला देंगे, मैग्नीशियम भी गोली से खिला देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपके भोजन में ही पोषकता आ जाए, वो कोई प्रयास नहीं करे। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जा रहा है, तो पेट भरने के लिए केवल भोजन मत खाइए। आपकी दादी, आपकी नानी जिस तरह से भोजन बनाती थी, जिस तरह से मेहनत करती थी घर में भोजन बनाने के लिए, वो मेहनत करिए, क्योंकि सिर्फ करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होती, उसके लिए प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपकी दादी नानी ने खूब सुबह सुबह चक्की पीसती थी, फिर दूध बिलोती थी, फिर चूल्हा जलाती थी, फिर आटा गूंथती थी, उसके बाद चूल्हे पर रोटी बनाती थी, तब कहीं जाके 100-100 साल जीने वाले बलिष्ठ गामा पहलवान और दारा सिंह जैसे लोग पैदा होते थे। जब से ये अमूल का मक्खन आ गया, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं लेकिन घर में मक्खन निकालते हैं अमूल का। तो ये जो मक्खन की प्रक्रिया है ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज, ये मक्खन की जो प्रक्रिया है स्विट्जरलैंड में जो इन्होंने क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी का परीक्षण किया था, ये हमारे मक्खन की निकालने की पद्धति से प्रेरित होकर किया गया था, जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे वो लोग। क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रोटॉन जब टूटता है तो वो ब्रह्म तत्व में आकर उस मक्खन के अंदर उपस्थित होता है, वो ब्रह्म तत्व खाकर हमारे देश में महापुरुष पैदा होते थे, लेकिन जब से ये मक्खन हट गया हमारे देश में महापुरुष बनने बंद हो गए। इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, सोच के देखिएगा कि जिन श्री कृष्ण ने यह कहा कि मक्खन चुरा कर भी खाना पड़े तो खाओ, ये मक्खन ऐसी चीज है, उसकी जगह हमारे बच्चे अमूल का मक्खन खा रहे हैं, तो अमूल जैसे ही बनेंगे।
तो डिग्री के पीछे हम पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे किस तरह डिग्री हासिल कर लें, वो डिग्री ऐसी है जिसके ऊपर अगर शहद ला के चाटो तो विटामिन सी भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने तो अपनी फेंक दी। आप लोग डिग्री हासिल करिए लेकिन भारतीयता के प्रति श्रद्धा भी रखकर हासिल करिए, जिससे गांव में जाकर आप काम कर सकें। उस डिग्री की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन वो डिग्री के बाद हम क्या करते हैं, जेब में हाथ डाल के घूमते हैं कि अपने आप को हम पढ़ा लिखा समझते हैं, बस हमारे गांव के बच्चे भी यही करते हैं। तो ये आप समझिए कि भोजन को सुधारना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी, इसके साथ पांच नियम है पानी के, आप लोग सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये पानी ही विष का काम करेगी। पांच नियम क्या है कि पहला नियम तो ये है पानी का कि आप लोग भोजन करते ही तुरंत कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन करते ही तुरंत पानी पीने के कारण आपका भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, और पाचन ठीक से नहीं हो पाता तो क्या होता है कि भोजन को पचने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा पूरा शरीर बनता है, कि भोजन खाएंगे पचेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो रक्त बनेगा, रक्त बनेगा तो उसके बाद मांस बनेगा, मांस के बाद मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, फिर मज्जा बनेगा मतलब बोन मैरो, और उसके बाद वीर्य बनेगा, और इसी सीक्वेंस में बनेगा। तो अगर रस में खराबी हुई तो पूरी इस खराबी नीचे तक पसर जाएगी, हड्डी में खराबी है तो आपका रस खराब है, तो ये रस खराब नहीं होना चाहिए। पिज्ज़ा को पचाया हुआ रस अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन दाल और हांडी में बनी दाल को पचाकर जो रस बनेगा वो पूरा अच्छा शरीर बनाएगा। इसीलिए पाचन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खाना खाते ही पानी पी लेते हो तो पाचन आपका नहीं होता, क्योंकि आपका जो एसिड पेट में है वो डाइल्यूट कर देते हैं आप उसको, उसकी पावर एक तरह से ख़त्म हो जाती है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो। डेढ़ घंटे तक पानी अगर नहीं पिएंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा, और पचेगा तो वो आपके शरीर में लगेगा, नहीं तो अगर आपने आधे घंटे में पानी पी लिया या खाने के साथ साथ पानी पी लिया तो वो भोजन सड़ेगा तो उसमें से वायु पैदा होगी, और ये वायु जो है आपको एसिडिटी से लेकर कैंसर तक की यात्रा करवाएगी। 103 रोग गिनवाए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो याद रखना है आपको कि खाना पानी जब भी पिए आप सिप सिप करके पीजिए, घूंट घूंट भर के पीजिए। ये जो फ्रिज से बोतल निकाल ली या बोतल को आप गटगट करके पी जाते हैं लगातार, ये बहुत गलत नियम है। इसके कारण जो लार है आपकी वो पानी में मिक्स नहीं हो पाती, मिक्स नहीं होती तो आपके पेट में नहीं जाती, और पेट में नहीं जाती तो आपके पेट को फ़ायदा नहीं पहुँचाती। इसीलिए ये लार का इतना महत्व है कि हम जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उन सबको टूथपेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं कि टूथपेस्ट नहीं करना, बाकी लोगों में ना करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट नाम का एक केमिकल जो है वो झाग बनाने के लिए प्रयोग होता है, और वो केमिकल क्या करता है कि आपकी एक से डेढ़ घंटे के लिए आपकी लार बनाने की ग्रंथियों को सप्रेस कर देता है, लार नहीं बनने देता, सूखा सूखा मुँह हो जाता है। और सुबह और शाम अगर एक एक घंटा दो दो घंटा आपने इस तरह से ब्रश करके कोलगेट किया, कुछ भी किया, अगर आपने करके लार को दबाना शुरू कर दिया तो आपका शरीर एसिडिक बनने ही वाला है। इसीलिए ये लार का इतना महत्व है कि सुबह सुबह इसीलिए कड़वी चीज़ से या खट्टी चीज़ से दांत साफ करने का नियम बनाया गया, जैसे नीम की दातुन हो या गोबर से बना हुआ मंजन हो, इससे बनाने की प्रक्रिया की गई कि लार बन सके और शरीर एल्कलाइन बन सके। तीसरा नियम है कि आपको जब भी पानी पीना है खड़े होकर बैठ कर पीना है। अगर आप चाहते हैं कि घुटने आपके सलामत रहे हमेशा तो आपको पानी हमेशा बैठकर पीना होगा और दूध खड़े होकर पीना होगा, क्योंकि जब आप पानी बैठकर नहीं पीते तो आपके घुटने पक्का खराब होना मतलब तय है खराब होना, कोई ठीक नहीं कर सकता आपके घुटने। मैं मजबूरी में अभी मुझे खड़े होकर पीना पड़ा पानी, नहीं तो मैं बैठकर ही पीता हूँ। तो पानी हमेशा बैठकर पीना है और दूध खड़े होकर पीना है। दूध पीने का तरीका भी यही है कि आपको जब दूध में, अगर देसी गाय का दूध है उसमें घी डालकर उसे 51 बार फेंट कर झाग बना लीजिए, फिर आप पियेंगे तो घुटनों को बहुत आराम करता है। यही तरीका हमारे हलवाइयों को आता था पहले, वो जब भी दूध देते थे वो फेंट कर झाग बना के देते थे, वो जीवन विद्या थी, अलग से उसको किसी ने कोई डॉक्टर नहीं की हुई, उसने उसको पता था ऐसे होता है, यही सही है। मेरे दादा ने भी यही किया, उनके दादा भी ने भी यही किया। तो आप इसके बाद ये नियम याद रखिए। इसके बाद सुबह सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही कुल्ला मत करिए, जो हमें बासी बासी मुंह में लगता है वो बहुत बड़ी औषधि है, तो उस औषधि का प्रयोग करिए कि वो पेट में जाए,
कहीं फोड़ा फुंसी है वहाँ लगाइए। मैं पिछले 6 साल से अपनी आँखों में लगा रहा हूँ तो एक नंबर कम हो गया है मेरे चश्मे का, क्योंकि ये मुझे बचपन से लगा हुआ है जब मैं मैदा बहुत खाता था। इसके बाद आखिरी जो नियम है वो ये है कि जब भी पीना है गुनगुना पानी पीना है या रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, मटके का पानी पीना है, जिससे कि ठंडा पानी अगर पियेंगे तो पैरालिसिस और बहुत सारी दिक्कतें आपको आनी ही है। तो ये पानी के नियम याद रखिए, राजीव दीक्षित जी को सुनिए, इंटरनेट पे बहुत कुछ उपलब्ध है उनका, सुनेंगे आपको भी प्रेरणा मिलेगी और हमारा भी चैनल है जिसको आप चाहें तो सुन सकते हैं। जो व्यान आयुर्वेद बंसल जी ने हमें मौका दिया इस बात को बोलने का, उसका मेरा और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं दिल्ली से यहाँ कोई हज़ारों लोगों की भीड़ सोचकर नहीं आया था। मैं चाहता था कि लोग कम हो लेकिन ऐसे हों जो बात समझें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरा जो समर्पण है वो आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए समर्पण आपका नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि हम तो आज जो श्राद्ध कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारा श्राद्ध भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको ऐसे पूर्वज नहीं चाहिए जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद करके जाएं उनके लिए। क्योंकि ये लाइफस्टाइल अगर 2000 साल पहले, मान लीजिए, बहुत ये आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ, यंगस्टर्स यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, हमको ये सिखा दिया गया है कि वी ओनली लिव वंस, ये मेरा शरीर है, मैं कमा रहा हूँ, मैं इसमें शराब डालूँ, मांस डालूँ, कुछ भी डालूँ, आपको क्या मतलब, हु आर यू टू टेल मी, ये हो गया ना। मैं कहता हूँ ये शरीर आपका नहीं है, ये गलत फहमी मत रही आप लोग, क्योंकि ये शरीर आपके पूर्वजों ने, आपके दादा के दादा के दादा के दादा ने, पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते 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 आप तक पहुंचाया है। ये ऋण है उनका कि आप भी एक अच्छी पीढ़ी आगे पैदा करें, पुष्ट वीर्य लेकर आगे पैदा करें, इस शरीर में वो कचरा ना डालें जिससे कि आने वाली पीढ़ी खराब हो जाए। क्योंकि अगर मैं बड़ी फिल्मी बात बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए 2000 साल पहले के आपके जो पूर्वज थे जिनसे आपकी वंशावली निकली, वो टाइम मशीन में ट्रैवल करके आ जाए और आज देखे कि आज की पीढ़ी तो शराब में पड़ी है मेरी, वो मांस खाने में लगी है, व्यभिचार करने में लगी है, तो वो अपने बच्चों को पालने का पूरा इंटरेस्ट खो देंगे कि जिस पीढ़ी ने आगे जाके ऐसा ही बनना है। तो हम क्यों मरमर के इसको हम बिना बिजली के, बिना उसके हम खेती में काम कर करके इनको पालें, वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। है तो फिल्मी बात लेकिन आप सोच के देखिए कि ये शरीर केवल आपका नहीं है, इसको सही रखकर, सात्विक रखकर, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि सत्व उसमें रखकर इस शरीर को अपने ये सब कचरों से दूर करिए, सही बनाइए, आने वाली पीढ़ियों को सुधारिए। नहीं तो इस देश में जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, ये षड्यंत्र इनका कामयाब हो जाएगा और हम लोगों के पास कोई ऐसा भी नहीं बचेगा कि जो केवल अपनी बीमारी में फंसा हुआ है, हमको याद करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।